दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई सालक राम की गुंडागिर्दी चरम पर है और लगातार गुंडागिर्दी की बातें सामने आ रही हैं, वीडियो सबूत सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अब धीरेंद्र शास्त्री की वाईफाई कनेक्ट हो गई है और उन्हें लगभग जो एक डेढ़ महीने से जो चल रहा था वो उन्हें पता नहीं चल रहा था। अब जैसे ही नेशनल मीडिया ने बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालक राम के करतूतों को चैनलों पर दिखाना आरम्भ किया है, अब जाके बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की वाईफाई कनेक्ट हुई है और अब वो कह रहे हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा मतलब डायलॉग बाजी करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार उपस्थित हुए हैं और उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि कानून अपना काम करेगा। अगर आप अपना काम कर रहे होते तो कानून को अपना काम करने की आवश्यकता नहीं होती। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हिंदुओं को नहीं पचा पा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। बागेश्वर धाम के प्रति मेरी भी एक बड़ी आस्था है और मैं लगातार वहां दर्शन करने जाता भी हूं। मेरा भाव इसलिए है कि वहां जो धीरेंद्र शास्त्री हैं उनके द्वारा जो लोगों के लिए जो शराब छोड़ने को लेकर जो बात की जाती है और कहीं की जो लहसुन प्याज है उसको लेकर बात की जाती है, इसके साथ साथ हनुमान चालीसा को लेकर बड़े पैमाने पर लोगों के लिए पढ़ने के लिए वो बोलते हो जिससे लोगों का आत्मबल मजबूत होता है, एक कल्चर वहां पर कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा था, लेकिन शायद वो अपने पथ से विमुख हो गए हैं। और धन दौलत अपार संपदा जिस प्रकार से चली आ रही है, दान चला आ रहा है, उस दान के मद में उनके आसपास के लोग इतने चूर हो गए हैं कि अब वो वहां के लोगों को लोग ही नहीं समझ रहे, कीड़ा मकोड़ा समझने लगे हैं। आप थोड़ा प्रयास करिए और एक डेढ़ महीने की बागेश्वर धाम के आसपास की जो खबरें हैं उन पर थोड़ा गौर करिए। लगातार धीरेंद्र शास्त्री के भाई सालक राम की गुंडागिर्दी पिछले 6-7 महीने से चल रही है। मीडिया में खबरें भी आती, कुछ खबरें दबा दी जाती हैं। बागेश्वर धाम सरकार के कारण भी बहुत सारे लोग शांत रह जाते हैं, स्थानीय मीडिया तो बिल्कुल खामोश पड़ जाती है। कुछ पत्रकार हैं जो जिनका जमीर जिंदा रहता है, लगता है कि अभी अति हो गई तो फिर वो बोलना आरंभ कर देते हैं और ऐसे में फिर जाके धीरेंद्र शास्त्री की वाईफाई कनेक्ट होती है, फिर वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो अपने भाई को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे थे और इतनी देर बाद धीरेंद्र शास्त्री को पता चला कि उनके भाई इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं धीरेंद्र शास्त्री के भाई, सुनने में आ रहा है 60 एकड़ जमीन इनके नाम पर की गई है, तमाम और आश्रम लिए गए हैं। आखिरकार इनके पास इस प्रकार का पैसा कहां से आ रहा है? बागेश्वर धाम पर जो चढ़ोतरी चढ़ाई जा रही है वो किनकी जेबों में जा रही है? दूसरी चीज, जो बागेश्वर धाम सरकार का मिशन है, विजन है, उसमें जो पैसा लोग दान दे रहे हैं उसका क्या गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है? और वहां की जमीनों में जो दलाली की जा रही है और दलाली कन कौन रहा है? साथ साथ जो वहां के सेवादार है वो एक ग्रोह बना के जिससे चाहे जिस चाहे जिसको मार दें, पीट दें। वीडियो सामने है, सबूत सामने है, एक तिवारी परिवार की महिलाओं के साथ मारापीटी की गई, उनके बुजुर्गों के साथ मारापीटी की, नाबालिग लड़की के कपड़े फाड़ दिए गए, इससे बड़ा कृत्य और क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के बाद अगर ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार का कृत्य कर रहे तो फिर आप बामन होने पर कलंक है। इस प्रकार के ब्राह्मण कहीं ना कहीं रावण की कैटेगरी में आते हैं जो लगातार वहां के स्थानीय ब्राह्मणों का दोहन कर रहे हैं, उनके साथ मारापीटी कर रहे हैं। और ऐसे में सालकराम जैसे गुंडे के लिए सलाखों की जगह सबसे अच्छी जगह मानी जाएगी और ऐसे लोगों पर गैंगस्टर होना चाहिए, इन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई वहां के स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन मतलब वहां के DMSP नहीं कर पा रहे तो अपने पद से इस्तीफा दें, निकलें, दूसरे आए। साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर की बड़ी चुनौती है, खासतौर से ऐसे बाबाओं के संरक्षण में जो माफिया पल रहे हैं उन पर लगाम लगाने को लेके, खासतौर से धीरेंद्र के शास्त्री की छवि खराब हो रही है, लगातार छवि खराब हो रही है। साथ साथ उनकी जो शक्ति की बात की जाती है कि उन्हें पता पड़ जाता है वो अपने ही भाई का पर्चा क्यों नहीं बना पा रहे, अपने भाई को क्यों नहीं रोक पा रहे, अपने ही भाई की कहे कि जो गलत कृत्य उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे। सुनने में आता आ रहा है कि दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं और गड़ा गांव की एक खासियत और बता दें, बड़े पैमाने पे वहां पर शराब की पेटियां कहने के सप्लाई की जा रही, तो आखिरकार चल क्या रहा है? दूसरों को ज्ञान दे रहा है वह नहीं उठ, और अन को ज्ञान दे रहा है, खुद ही नाक जा रहा है, भीड़ जैसी स्थिति है बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र के शास्त्री की। और धीरेंद्र के शास्त्री के बारे में इसलिए हम बोल रहे हैं कि धीरेंद्र के शास्त्री एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनने बहुत कछु छेद किलाए करे हैं, बहुत कुछ तय बदले हैं, लेकिन हम लोग ऐसे धाम को बर्बाद होता नहीं देख सकते। जितने माफियाओं का जड़ा बड़ा पड़गा हो, जितने हिंदुओं की बात करे हुआ हिंदुओं को कूट में लगे हुए, जिनके दिल में हिंदू बस नहीं पा रहे हो, बच नहीं पा रहे हो,
संपत्ति हड़पने में लगे हुए, बड़े पैमाने पर की जमीनें हड़पी जा रही। और बागेश्वर धाम सरकार को वाईफाई बहुत देर में कनेक्ट हुआ, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े खेल कर लाओ, वो इन्हें सब पता भी है, इनके करीबी लोगों तक की वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। अब तो जा स्थिति के पूरी कलई खुल गई कि आखिरकार इनके अंदर चल का रहा, वो केवल बागेश्वर धाम सरकार मतलब धीरेन्द्र के शास्त्री बचे, क्या उनकी कोई ऑडियो वीडियो नहीं आई, बाकी अगल बगल के लोगों की बड़े पैमाने पर सब सबूत सामने आ गए, जनता के बीच में है, मीडिया में चल भी रहे, एक दो पत्रकार आवाज भी उठा रहे, उन सबको हम तुम्हारे बीच में लेके भी आ रहे हैं। तो स्थिति जा है कि बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई जो रावण को कृत करवे लगन लगे, वो कहीं ना कहीं घर से ही अब जा शुरुआत भाई जो भाई है बागेश्वर धाम को डोबे ले जाए ऐसा लग रहा हो। और तमाम जो बागेश्वर धाम से जुड़े हैं तमाम बड़े पैमाने पर महिलाएं जाती हैं, महिलाओं में आक्रोश है इस चीज को लेकर कि महिलाओं के साथ उनका भाई गुंडागिर्दी कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उनके साथ उनके गुंडे घूम रहे हैं। इन गुंडों पर गैंगस्टर कब होगी, इन गुंडों को कार्रवाई से कौन बचा रहा है, इन गुंडों की कहे कि पूरा ग्रोह जो चल रहा है इसकी कमर कैसे टूटी जाएगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल है। और साथ साथ गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, या जैसे कि चुनाव चल रहा है कुछ परिणाम आ जाएंगे उसके बाद जो चीजें आएंगी उन्हें भी इस चीज को देखने की आवश्यकता है कि जहां लाखों और करोड़ों लोग साल भर में पहुंचते होंगे, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां आ रहा है, बड़े पैमाने पर दान आ रहा है, उस दान का दुरुपयोग कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और ऐसे माफिया जो धीरेन्द्र के शास्त्री के भाई के रूप में आ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो अपने ही परिवार के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, मारा पीटी तक की धमकी दी जा रही है, उनका जो धाम चलता है उन्हें परेशान किया जा रहा है, वो किसी के नहीं, ना अपनों के हैं ना दूसरों के हैं, केवल धन के हैं। वो धन के जब धन जब ऊपर मुड़ी पर घूमता है, या कहें कि एक मद आता है, घमंड आता है, तो वो किसी को नहीं छोड़ता है, अपने ही करीबी मित्र की माता पिता के साथ मारा पीटी कर दी, उसकी भतीजी के साथ मारा पीटी कर दी, तो इससे बड़ा और घृणित कृत्य क्या होगा। इन जैसे गुंडों को तो तत्काल जेल के अंदर कर देना चाहिए, और नहीं हो तो फिर इन्हें वही भाषा सुनाई जाए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियन के संग गुंडन के संग कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे गैंगस्टर होनी चाहिए। और धीरेन्द्र के शास्त्री को लगातार अपने भाई साहब भैया के खिलाफ में बोलना चाहिए, और खुल के अब तो धाम बदनाम हो रहा हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम लोग शांत बैठे हो। दूसरी चीज, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वे महिलाओं को कुटतन देख रहे हैं, इन्हें शर्म आना चाहिए, जो बेचारे बड़े पैमाने पे धाम पे जाते दर्शन करते उनके संगे मारा पीटी हो रही, होते जो बामर रह रहे उनके संगे मारा पीटी हो, अब तो लोगांजन को नहीं छोड़े जा रहा, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार को कृत कर रहे। और अगर हम लोग अवे खामोश रहे तो कछु दिन बाद जो देखने मिले कि बागेश्वर धाम पे जितना लोगों की आस्था है धीमे धीमे लोग भगन लगे। बाकी अंदर की कहानी क्या चल रही सब लोग जानते हैं, जो बोल रहे उनके बारे में उल्टो सीधो लिखे जा रहा हो, उससे कछु फर्क नहीं पड़ा, क्या कि हम लोग खुद चलती फिरती एक खबर है और जी के बारे में बोल दें उनकी चर्चा हो लगत, तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगत कि हमारे बारे में लोग क्या कह रहे। हम जा जरूर कह रहे कि बागेश्वर धाम पे जो कछु गलत चल रहा हुए वो सबके खिलाफ हम लगातार बोलत रहे, और हमारे संगे वे लोग खड़े हैं जो देखत हैं कि गलत हो रहा हो, और जो खास तौर से गरीबन के संगे गलत हो रहा हो, और जो घमंड में चूर हो गए बागेश्वर धाम के चेला चपाटे उनके भैया और हो सकत के वे खुद, तो तनक समझ जावे। चूंकि ऐसे समय में जब हिंदुत्व की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, उधर चार हिंदुओं ने तुम पचा नहीं पा रहे, तुम्हारी कलई खुल रही कि तुम कर का रहे। नमस्कार।